प्यारे भक्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अंश हैं और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अतः इस पर्व को धनतेरस नाम से मनाया जाता है। इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और सोना चांदी आदि खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। हम आपको सभी कथाओं के माध्यम से धनतेरस पर्व का महत्व बताएंगे कि इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और यमराज की पूजा क्यों होती है। आइए इस पावन अवसर पर अपने इष्ट का ध्यान लगाकर कथाओं का आनंद लेते हैं। धनतेरस है आया, हम तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। इस पावन पर्व का महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस है आया, हम तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। इस पावन पर्व का महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। बड़ी पुरानी एक कथा आज हम सुनाए, धनतेरस क्यों मनाया जाता आपको बतलाए। धन वैभव की देवी लक्ष्मी माँ की पूजा होती, सोए भाग जग जाते हैं ना किस्मत रहती खोटी। तेरा गुना धन बढ़ जाता है ऐसा बताते हैं, ऐसा बताते हैं। इस पावन पर्व का महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। तुम
देखा अयोध्या धाम। ब्रज भूमि के दर्शन करके वो रुक जाते हैं, वो रुक जाते हैं। इस पावन पर्व का महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। सरसों का एक खेत वहां था शोभा बड़ी निराली, पीले पीले फूल देख के माता हुई मतवाली। अपने श्रृंगार के लिए एक फूल था तोड़ा माने, खेत से गन्ना लेकर तब रस पान किया था माने। उसी क्षण विष्णु जी भक्तों वहां पर आते हैं, वहां पर आते हैं। इस पावन पर्व का महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। विष्णु जी ने क्रोधित होकर शाप दे दिया, किसान के खेत में चोरी का अपराध है तुमने किया। 12 साल रहोगे तुम इस किसान के घर, क्षीर सागर में चले गए हरी तो ये कहकर। पति की आज्ञा समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। किसान की पत्नी से वो ये कहने लगी, मेरी बनाई लक्ष्मी की इस मूरत को देखो, स्नान करके सबसे पहले पूरी
पूजा इनकी करो। ऐसा करने से सोए भागे जग जाते हैं, भागे जग जाते हैं। इस पावन पर्व का महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। श्री हरि समझाए, बड़े बड़े भी इनको कभी रोक न पाते हैं, रोक न पाते हैं। इस पावन पर्व का महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। दीपक जला लेना, तांबे के कलश में पैसे रखना बताते हैं, रखना बताते हैं। इस पावन पर्व का महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। रहो
कथा सुनाते हैं। धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन। हमको मिलते जाए त्योहार तो जीवन खुशियाँ लेकर आते हैं, लेकर आते हैं। इस पावन पर्व का महत्व समझाते हैं हम कथा सुनाते हैं। धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे जीवन, धनतेरस का ये दिन खुशियों से भरे।